वेलकम टू संकट टेक्टो गाइस। सो आज एक छोटा सा डेमो मैं शो करने वाला हूँ आपको, हाउ टू क्रिएट सीएसएस सेलेक्टर इन यूजिंग फॉर लाइक ऑटोमेशन, लाइक सेलेनियम, साइप्रस, प्लेराइट। आप तीनों टूल्स में सेम चीज़ यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मोस्टली अभी जो मार्केट में डिमांड है वो साइप्रस की है, और साइप्रस के अंदर सीएसएस सेलेक्टर ही यूज़ कर सकते हैं हम लोग। अगर आपको एक्सपात यूज़ करना तो इसका एक अलग तरीका है, आपको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है, तो वो भी मैं आपको बता दूंगा। आप कमेंट में लिख देना वीडियो अगर आपको चाहिए तो, बहुत अच्छा तरीका है वो एक्सपात यूज़ करने का। तो अभी हाल फिलहाल फोकस करते हैं इस वीडियो में एक्सपात सीएसएस सेलेक्टर बनाने का। तो ठीक है, मैं आपको पूरा डेमो दिखाने वाला हूँ दो वेबसाइट के ऊपर, पेरेंट और चाइल्ड का, तो दोनों तरीके को देखिए। और फिर अगर आपको कुछ डाउट हो तो, अगर आपको कोई ऐसा एलिमेंट है आपके पास जो सीएसएस सेलेक्टर नहीं बना पा रहे, आप मुझे कमेंट में लिखें, उस वेबसाइट का यूआरएल भी लिख सकते हैं, तो मैं आपको बना के दे सकता हूँ या उसका भी एक डेमो वीडियो बना के निकाल दूँगा। ठीक है, चलो देखते हैं। तो मोस्टली जो इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ब्राउजर स्टैक की वेबसाइट को ओपन करने के बाद कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, सीएसएस सेलेक्टर किसी पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए कैसे बनेगा, लाइक इसके लिए या इस पर्टिकुलर डॉम में से, या फिर यहाँ से कहीं से भी किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट को पिक कर लेते हैं जो भी टफ हो, या उस टाइम जो उनको टफ लग रहा हो तो उसको पिक कर लेते हैं वो लोग, और इंटरव्यू में पूछते हैं इंटरव्यूअर, या विकिपीडिया की कोई भी वेबसाइट, जैसे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ से पर्टिकुलर ये एलिमेंट्स हो गए, तो क्योंकि ये पूरी एक पर्टिकुलर लिस्ट है, तो यहाँ पे 1, 2, 3 करके इंडेक्स भी डिफाइन किया गया है। तो हाउ टू क्रिएट सीएसएस सेलेक्टर फॉर पर्टिकुलर एलिमेंट, राइट? तो लेट मी रिफ्रेश इट और फिर समझते हैं। सपोज करो मुझे इनमें से किसी भी पर्टिकुलर के लिए सीएसएस सेलेक्टर बनाना है, तो अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इंस्पेक्ट पे क्लिक करेंगे। अभी मैं किसी भी पर्टिकुलर एड ऑन का यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ना ही उसकी हेल्प ले रहा हूँ, मैं आपको सिखा रहा हूँ कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हो। तो बेसिकली जो अपन कंट्रोल एफ करते हैं सर्च बार ओपन करने के लिए, वो किया, मैं अभी विंडोज़ में हूँ तो कंट्रोल एफ, और अगर आप मैक यूज़ करें तो कमांड एफ से काम चलता है। तो ठीक है, पर्टिकुलर मैं एलिमेंट को हिट कर लेता हूँ, मान लो मैं इस पूरे एरिया को क्लिक करता हूँ, मेरा एरिया यहाँ पे आ गया ये। ठीक है, तो यहाँ पे दो तरीके मैं आपको बताऊँगा, एक तो पेरेंट से चाइल्ड कॉल करना, या फिर एक चाइल्ड को डायरेक्ट कॉल करना। जब भी आपके पास HREF टैग हो तो सीधे उसी को कॉल करना सबसे अच्छा और आसान तरीका है। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, इसको कॉपी कर लेता हूँ, यू कॉपी लिंक एड्रेस, राइट? हमारे पास जो टैग स्टार्ट होता है वो A से स्टार्ट होता है, राइट? और इसका जो कॉलिंग है वो HREF टैग है, तो यहाँ से मैं इसको लिखूँगा A ब्रैकेट्स एंड HREF इक्वल्स टू ये लिंक। ठीक है, अब इस लिंक में क्या हुआ है, जब भी मैं किसी अपन किसी लिंक को कॉपी करते हैं तो यहाँ पे HTTPS एक्स्ट्रा लिखा आता है, क्योंकि ये हिट करने के लिए है। तो मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक यूनिक CSS सेलेक्टर इस पर्टिकुलर एलिमेंट के लिए बन चुका है, और ये डायनेमिक है। ठीक है, एक जिसका दूसरा तरीका है, मैं जाता हूँ पेरेंट के पास, तो इसको अपन कॉल करते हैं डेव को, डेव अदर प्रोजेक्ट्स, ये हो गया इसका ये क्लास अदर प्रोजेक्ट्स, और यहाँ पर डाल दो स्पेस। ठीक है, तो आप देख सकते हैं मैंने इसको पेरेंट के थ्रू भी कॉल करके दिखा दिया है। ये एक बेसिक तरीका है, मैंने आपको दो तरीके बताए, एक तो चाइल्ड को डायरेक्ट कॉल करने का, जो कि आप ऐसे कर सकते हो, और एक्सपाथ और सीएसएस सेलेक्टर में जो बेसिक डिफरेंस आता है वो ये है कि हम लोग जब भी चाइल्ड पेरेंट को कॉल करते हैं वहाँ पे हम लोग डबल स्लैश यूज़ करते हैं टू कॉल चाइल्ड, राइट? या पेरेंट को कॉल करना तो ये, या फिर इसके बाद प्रीसीडिंग प्रीसीडिंग एक्सपाथ लोकेटर, राइट? वो पूरा लिखना पड़ता है, और हम कॉल करते हैं उसको इससे डबल डॉट से, तो वो नहीं करना पड़ता। सीएसएस सेलेक्टर इजी है और सबसे ज़्यादा यूज़ होता है आजकल, आपने प्लेराइट और साइप्रस में देखा होगा जावास्क्रिप्ट ही यूज़ होती है, तो वहाँ पे सबसे इजी जो पिकर एलिमेंट होता है वो होता है सीएसएस सेलेक्टर, तो वो हम कर सकते हैं। चलो कोई दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, अभी
ठीक है, अपन इसका एग्जांपल ले लेते हैं, स्टैक ओवरफ्लो, स्टैक ब्राउजर स्टैक का। तो यहाँ से कोई भी एलिमेंट पिक कर लेते हैं, कोई भी, चलो रैंडम अपन पिक करते हैं यहीं पे, क्योंकि ये सबसे चीज़ें टफ होती हैं, राइट। बटन तो बटन एलिमेंट या टैग के साथ अपन कॉल कर सकते हैं, अपन इसको पिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं वापस से इसको इंस्पेक्ट करता हूँ और कंट्रोल एफ कर लेते हैं, ठीक है। अब मेरे पास एक एलिमेंट है लाइव, राइट, मैंने इसे कॉल किया, मैंने इसको सेलेक्ट किया। तो यहाँ पे इसके दो डिव स्टार्ट हो रहे हैं, एक तो रैपर क्लास और एक हो रहा है कंटेंट मैन। तो अपन क्या करेंगे, रैपर क्लास से इसको कॉल करेंगे क्योंकि ये इसका पेरेंट है, और इसके ऊपर जाएंगे तो हम लोग ये पूरा डॉम, जिसकी इस एरिया की हमें ज़रूरत नहीं है, हमें सिर्फ एलिमेंट पिक करना है, तो हम इसको इसको पिक कर लेंगे यहाँ से। तो सबसे पहला तरीका जो पेरेंट और चाइल्ड को कॉल करने का है वो ये है। तो मैंने क्या किया, इसको कॉपी करूँगा, क्लास को कॉल करूँगा और डिव से स्टार्ट करूँगा। तो डिव क्लास, अगर हम यहाँ पे एक्सपाथ लिख रहे तो ऐट द रेट क्लास यूज़ करते, राइट, जो कि हम यहाँ नहीं कर रहे क्योंकि ये सी एस एस सेलेक्टर है, ये डायरेक्ट कॉल कर लेता है। अब देखो, अब यहाँ देखो यहाँ पे कितने सारे एलिमेंट कॉल हो रहे हैं, क्योंकि मैंने अभी पेरेंट को कॉल किया है। अभी चाइल्ड पे चलते हैं, राइट। तो मुझे चाइल्ड पे जाने के लिए इसका एरिया लेवल जो है वो लाइव है, या अपन और भी क्या देख सकते हैं इसके अंदर, यूनिक वैल्यू, तो एरिया लेवल लाइव ले लेते हैं अपन, और अपन इसका टाइटल भी ले सकते हैं यहाँ से, टाइटल लाइव। तो पहले एरिया लेवल ट्राई करते हैं, जो कि स्टार्ट होता है ए टैग से, स्पेस ए और एरिया लेबल इक्वल्स टू, अभी ट्राई कर रहे हैं क्या पॉसिबल है। तो सबसे पहले इसको अपन ने उठाया एरिया लेबल को लाइव, एरिया लेबल की स्पेलिंग चेक कर लेते हैं, ठीक है, स्पेलिंग ठीक है, लाइव, ठीक है, लाइव, ये अपना कॉल हो रहा है, प्रॉपर कॉल हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अभी अपन इसको टाइटल के थ्रू भी लेके देखते हैं, ये भी परफेक्ट कॉल हो रहा है। तो ये बहुत ही आसान तरीका है सी एस एस सेलेक्टर बनाने का, आपको कहीं किसी चीज़ में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही आसान है ये तरीका। अगर आपको ये कॉल करना हो डायरेक्ट तो इसको भी ट्राई करते हैं। ये दो एलिमेंट हमें मिलते हैं, इसलिए हमें अब पेरेंट और चाइल्ड को कॉल करना ही पड़ेगा, जो कि हमारा ये पुराना वाला तरीका है। जब भी दो एलिमेंट मिले, यहाँ पे आप देख सकते हो वन ऑफ वन, तो एक ही एलिमेंट हमें मिल रहा है पूरे डॉम में। अगर सपोज़ करो मुझे इसको कॉल करना हो, इसको कॉल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, बटन डायरेक्टली दिया हुआ है, क्लास प्रोडक्ट सेक्शन टैब बटन, इसका नाम होगा कहीं ना कहीं एरिया लेवल वेब टेस्टिंग है, टाइटल भी वेब टेस्टिंग है। तो अपन क्या करते हैं, डायरेक्ट इसको कॉल करते हैं। तो ये बटन टाइटल है इसका, वेब टेस्टिंग, ओके, देखिए आप। तो यहाँ पे आपको दो एलिमेंट मिले, वन आउट ऑफ टू, ठीक है। तो अब देखते हैं कौन सा है, एक ये है और एक कोई और पर्टिकुलर एलिमेंट जहाँ पे ये शो नहीं हो रहा है वो भी है। तो अपन, हमें इसको उठाना है, तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, इसके लिए अपन फिर से वापस अपन पेरेंट को कॉल करेंगे। इसका पेरेंट क्या है, ये वाला एरिया, राइट। तो डेव स्टार्ट करेंगे और रोल को करेंगे प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो डेव टैग से स्टार्ट करेंगे, डेव रोल इक्वल्स टू ये, और यहाँ पे स्पेस देना बहुत ज़रूरी है, इस चीज़ का खास ध्यान रखना आपको। ये देखो, आप पर्टिकुलर एलिमेंट का सी एस एस सेलेक्टर बना पा रहे हो इजीली, ये यहाँ काम कर रहा है तो एक कोड में भी काम करेगा 100%, इसमें कोई डाउट नहीं है। ऐसे ही वीडियो
के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लर्निंग के लिए सब्सक्राइब करें। अगर आप पॉडकास्ट का हिस्सा बनना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट में लिखें या दी गई ईमेल आईडी पर भी आप ईमेल कर सकते हैं। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।